प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखीमपुर की गोला गोकरनाथ सीट पर बीजेपी के अमन गिरी ने भारी मतों से जीत हासिल किया है, वहीं सपा को करारी हार मिली है। बता दें कि 3 नवंबर को इस सीट पर चुनाव हुआ था। गोला उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। गोला सीट पर फिर से एक बार कमल खिला है, सपा को उपचुनाव में करारी हार मिली है। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी हारे हैं, 33,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत हासिल की है। गोला उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। उपचुनाव में सपा को करारी हार मिली है, 33,000 वोटों से जीत हासिल किया है अमन गिरी ने। गोला उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को हार मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, 33,000 वोटों से बीजेपी के अमन गिरी ने जीत हासिल की है, वहीं सपा को करारी हार मिली है। सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के द्वारा चर्चा की जाने की बात में ये जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक इतने हुए थे, अपनी अपनी पूरी दम लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज कामयाबी मिली और अमन गिरी अपने पिता जैसे ज्यादा वोटों से जुड़े हुए हैं। धीरज, गोला की सीट पर एक बार फिर से कमल खिला है, तो कैसा लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से गोला विधानसभा पर अपनी जीत हासिल की है, तो कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित है। बैंड बाजे के साथ मंडी गेट के बाहर बैंड बाजे के साथ गुलाल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वही जो गोला में अमन गिरी का जो कार्यालय बना हुआ केंद्रीय कार्यालय, वहाँ पर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। धीरज, गोला की जनता ने क्या देखते हुए वोट किया? क्या पार्टी का नाम देखा या प्रत्याशी का नाम देखा या मुद्दे को देखते हुए उन्होंने वोट किया? बिल्कुल, जिस तरीके से चार प्रकारों के तरह से योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार करने आए थे, तो कहीं ना कहीं जिस योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि गोला लोकसभा से काली डोर और भव्य एक पर्यटन स्थल बना करके देंगे, और जिस तरीके से उन्हें अन्य वादे किए थे उसको देखते हुए जनता ने फिर से एक बार भरोसा जताते हुए अमन गिरी को भारी मतों से विजयी बनाया। धन्यवाद धीरज हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा को चुनाव में करारी हार मिली है। 33,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत हासिल की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोला उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें, भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद गोला गोकरनाथ विधानसभा सीट के लिए आज नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है, वहीं सपा को चुनाव में करारी हार मिली है।
मसादी सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन उम्मीदवार के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराए गए। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वो वोटिंग हुई थी, जिसकी आज सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही थी, जिसके परिणाम भी आ गए हैं, जिसमें बीजेपी के अमन गिरी ने भारी मतों से 33,000 वोटों से जीत हासिल की है। उपचुनाव से बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने 33,000 वोटों से जीत हासिल की है, वहीं सपा को उपचुनाव में करारी हार मिली है। 33,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत हासिल की है। गोला उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के आज नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी को 33,000 वोटों से जीत मिली है। बता दें उपचुनाव के लिए इस सीट पर सपा और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है, वहीं सपा को करारी हार मिली है। बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता धीरज का। धीरज, गोला उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है, तो ये एक कार्यकर्ता ने बहुत ही उत्साह देखने को मिला। जो चुनाव करने के तस्वीरें भेजे देख सकते हैं आप, तो कुछ गोला लगाने के साथ कार्यकर्ता लाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कार्यालय का कार्यालय है लोला ने बनाया गया था, उससे भी हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण जो मौजूद है वहाँ पर, उनका उत्साह देखने लायक है कि हमारे प्रत्याशी को फिर से जीत मिली है। सुना भारतीय जनता पार्टी ने गोला सीट पर जीत हासिल की है, क्या लगता है धीरज, गोला की जनता ने क्या देखते हुए वोट दिया है, क्यों बीजेपी को चुना है गोला की जनता ने? जो बिल्कुल, गोला विधानसभा का जो एक मेन मुद्दा योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने पर्यटन स्थल भाग्यशाली दो कॉरिडोर का जो उन्होंने घोषणा की थी चुनावी मंच से और अन्य भी कई वादे किए थे उस तरीके से, और जो कार्यकर्ता या कुछ अन्य लोगों से जो बात करते हैं हमारे, तो उनका सांस्कृतिक तौर से कहना है कि जो अमन गुरु के पिता अरविंद गुरु थे वो जो एक जमीनी स्तर तो क्या लगता है धीरज, गोला वासियों को अमन गिरी से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या उम्मीद लगाए हुए हैं वो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए अमन गिरी युवा प्रत्याशी थे, आज उनको जीत हासिल हुई है, तो जिस तरीके से युवाओं से युवाओं ने जिस तरीके से वोट किया है, अपने अपना विश्वास जताते हुए युवा प्रत्याशी थे ये जीत करते हैं, कुछ युवाओं के लिए कुछ नया करेंगे, कुछ नए विकास कार्य करेंगे, उन मुद्दों को देखते हुए जो क्षेत्रीय होकर उन्होंने वोट किए, तो कहीं ना कहीं एक जरूर विषय बनता है कि युवा प्रत्याशी किन जो वादे किए हैं चुनाव में, उन वादों को कहां तक खड़े उतरते हैं। धीरज, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि ये उपचुनाव क्यों हुआ है और ये सीट क्यों खाली हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद गुरु जो इनका निधन हो गया था उसके बाद में ये सीट खाली हुई थी, उसके बाद में जो यहाँ पर उनके बेटे अमन गुरु को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद में जो चुनाव हुआ आज इसकी मतगणना संपन्न हुई है, वहाँ पर एक करीब तैयार होते थे अमन गुरु ने जो जीत हासिल की है। धन्यवाद धीरज हमसे जुड़ने के लिए। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के
आज नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। वहीं सपा को उपचुनाव में करारी हार मिली है। बता दें 33,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत हासिल की है। कोला उपचुनाव में बीजेपी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। कोला के रण में एक बार फिर से कमल खिला है। सपा को उपचुनाव में करारी हार मिली है। बता दें दिवंगत अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी जिसमें उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी। वहीं अब बीजेपी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है, वहीं सपा को करारी हार मिली है। बता दें बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी को 33,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। कोला उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। बता दें कोला गोकर्णनाथ सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा था, जिसमें बीजेपी को 33,000 वोटों से जीत मिली है, वहीं सपा को करारी हार मिली है। बता दें कोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके आज सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही थी, जिसके परिणाम भी आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने 33,000 वोटों से जीत हासिल की है। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई कोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के आज नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की है। उपचुनाव में सपा को करारी हार मिली है। 33,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत हासिल की है। कोला उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत हासिल की। सपा को उपचुनाव में करारी हार मिली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, कोला उपचुनाव में बीजेपी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। जी, आपको बता दें कोला गोकर्णनाथ की उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी की रिकॉर्ड मतों से वो विजेता बने हैं। आपको बता दें कि विनय तिवारी जो की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने पिता जब उनके पिता के खिलाफ विनय तिवारी चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव के दौरान, जो मार्जिन उस वक्त मिला था उस मार्जिन से कहीं ना कहीं अधिक मतों से जीत कर और अमन गिरी रिकॉर्ड मतों के साथ लखीमपुर के कोला गोकर्णनाथ सीट से नव निर्वाचित विधायक चुने गए हैं। और वहीं अगर बात की जाए मयूरी, तो कोला गोकर्णनाथ सीट पे जहां मतदान चल रहा था, जहां मतगणना चल रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी के और अमन गिरी के जो समर्थक हैं वो होली खेल रहे हैं, साथ ही साथ पटाखे जला रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब छठे राउंड की गिनती हुई तभी से अमन गिरी बढ़त बनाए हुए थे और कहीं ना कहीं उनका रास्ता साफ लग रहा था कि वो विजेता की जो भेस है उसे कहीं ना कहीं मार्जिन के साथ बढ़त बनाए हुए थे। अगर बात की जाए तो ये उपचुनाव वहां से अगर देखे तो वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद गिरी, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले वो स्वर्गवास हो गया, उसके ठीक बाद यहाँ उपचुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी पर विश्वास जताते फिर उन्हीं के पुत्र का भरोसा जताया और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा इस बार अमन गिरी ने उपचुनाव जीत कर कहीं ना कहीं दिखाया है। वही आपको बता दें कि इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है, बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें बधाई देने की उम्मीद करके अब इस जीत की बधाई दे रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो
तो तमाम आज कहीं ना कहीं देखे तो ये विनय तिवारी की दूसरी हार होगी लगभग 8 महीनों के अंदर, क्योंकि देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो विनय गिरी ही वहां से, विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के वहां उम्मीदवार थे और उनके विपक्ष में अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी थे, मगर चुनाव हुआ तो अब अमन गिरी फिर से एक बार 8 महीनों के अंदर ही विनय तिवारी को हराते हुए नजर आए हैं। जी मयूरी, विवांसु इस सीट पर दिवंगत अरविंद गिरी विधायक रहे हैं, अब उनके बेटे के हाथ में कमान है, तो अमन गिरी की कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस सीट को संभाल कर रखना और जनता के प्रति अपना। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये उनके पिता अरविंद गिरी की उनकी परंपरागत सीट रही है और उनके पुत्र अमन गिरी जो समाज जो क्षेत्र का भरोसा है उसको जीतने में कायम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती होगी कि भरोसे को कायम रखे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लगभग 4 साल कुछ महीनों का उनका कार्यकाल होगा, तो एक लंबा समय भी है कि क्षेत्र में विकास की जो काम अरविंद गिरी किया करते थे और कहीं ना कहीं समर्थकों के बीच एक अलग तरह का उनका छवि था। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस उपचुनाव में चुनाव की बात करें जो 7-8 महीने पहले हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें लगभग 65% मतदान हुए थे, मगर इस बार लगभग 9% मतदान में कमी देखने को मिली। उससे माना ये जा रहा था कि जो मुकाबला है वो कांटे का होगा, मगर कहीं ना कहीं विनय तिवारी इस मुकाबले में पिछड़ते हुए शुरुआत जब आखिरी प्रभावित गिनती हो रही थी उसमें साफ तौर से देखा गया अमन गिरी मार्जिन के साथ बहुत के साथ वो जीतते हुए नजर आए। अगर बात की जाए तो अमन गिरी के पिता 2002 से वहां से विधायक चुनते हुए आ रहे थे, 2002 से इस सीट पर लगातार अगर बात की जाए तो अरविंद है 2002 में जीते, 2007 के विधानसभा चुनाव में जीते, वहीं अगर बात की जाए तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त विनय तिवारी 2012 में जीते थे वहां से, और अगर बात की जाए तो अब 2017 के चुनाव में अरविंद गिरी जीते थे और 2022 में भी, मगर कहीं ना कहीं चुनाव में फिर से जो उनकी अरविंद गिरी परंपरागत सीट रही है वहां से उनके पुत्र अमन गिरी को जनता ने भरोसा जताकर अब एक बार फिर विधानसभा भेजने का काम किया। विवांसु, गोला की जनता ने क्या देखते हुए वोट दिया है, क्या पार्टी का नाम देखा है, प्रत्याशी का नाम देखा है या मुद्दे को देखते हुए वोट किया है? अपने क्षेत्र में निकले हुए थे और क्षेत्र में निकले के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, वो अगर बात की जाए तो लखनऊ आ रहे थे और सीतापुर स्थित वो एक अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में दाखिला लिया और कहीं ना कहीं जब उनका देहांत हुआ स्वर्गवास हुआ तो क्षेत्र में भारी संख्या में लोग उनके आवास पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं संवेदना भी लोगों का काम आया है, तो लोग संवेदना के साथ अगर बात की जाए तो अरविंद गिरी पे लगातार वहां से भरोसा जता चुके हैं, एक बार उनके पुत्र अमन गिरी पे भरोसा जताए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी कैसे जनता के भरोसे को निभा पाएंगे, क्योंकि माना जाए तो वो अपने पिता के साथ राजनीति में हमेशा दिखते थे और साथ ही साथ उनके साथ उनके पुत्र भी क्षेत्र में घुमा करते थे, कहीं ना कहीं वो पहले से ही परिपक्व है, अब आने वाले समय में उनके कार्य और जो मुद्दे हैं उस पर वो कितना बेहतर काम करते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। जी विवांसु, गोला सीट से बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी साफ तौर से अगर मयूरी बात की जाए तो गोला गोकर्णनाथ सीट पे अभी अगर बात करें तो जो कार्यकर्ता है वो अमन गिरी को जब सर्टिफिकेट दिया गया विजेता का उपचुनाव की, जब वो विजेता का उन्हें पत्र मिला उसके ठीक बाद से उनके समर्थक उन्हें फूल मालाओं से लाद कर और कहीं ना कहीं देखा जाए जो पोल है जो मतगणना स्थल था वहां से अब जो क्षेत्रीय कार्यालय है जो जिला कार्यालय है जो प्रचार के लिए यूज हो रहा था वहां तक कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अमन गिरी के अगुवाई में अपने कार्यालय गए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यकर्ताओं के अंदर भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए तो आज उनके आज जब वो विजेता हुए तो अपने पिता अरविंद गिरी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो पिता के अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का काम करूंगा और उनके ही बताए गए जो मार्ग है उस पर उसी पे चलकर हम एक दिन
जो पिता के अधूरे सपने हैं उसको पूरा करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र की जनता जैसे मेरे पिता को प्यार करती थी वैसे ही मुझे वो प्यार दी है, इस बार विजेता बनाकर और उस पर खड़ा उठूंगा। जी विवांशु, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकल बॉडीज का कोई भी चुनाव हो, बीजेपी हर जगह अपना कमल खिला रही है, तो विपक्षी पार्टियों से कहां चूक हो रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो वो एक हर एक चुनाव को बहुत ही सीरियस वे में चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, यानी की अपनी सहभागिता देती है। और कहीं ना कहीं अगर देखे मयूरीनाथ चुनाव में जो तमाम अगर देखा जाए साथ ही साथ देखे विधायक योगेश वर्मा सहित तमाम जो नेता थे वो लगातार अमन गिरी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहां जाकर और जनता के बीच संवाद बनाए थे। जीता अगर देखा जाए जो सफलता की निशानी बन के आई है, और वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कहीं ना कहीं पीछे नजर आई पहले, और इसका अगर देखा जाए तो उनके नेताओं का जनता के बीच जाके संवाद और विश्वास जो है उसको हासिल करने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पीछे रह गई। वहीं अगर बात की जाए तो अब चुनौतियां बहुत होंगी अमन गिरी के लिए, क्योंकि अभी उनकी पहली मरतबा विधायकी है, पहली मरतबा विधायक बन के विधानसभा पहुंच रहे हैं। और क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र के अंदर में भारी मात्रा में किसान पाए जाते हैं, और सब्जियों की खेती गन्ने की खेती का बेल्ट है, तो किसानों की समस्याओं को कैसे उठाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लखीमपुर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं तमाम विधायक हैं उनका भी समर्थन अमन गिरी को चुनाव के दौरान मिला। और साथ ही साथ वहां के सांसद अगर बात की जाए तो वहां के सांसद और सभी पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से आज अमन गिरी को जीत लिया इसको वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के आज नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है।